नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पूरे देश की नज़र यूपी के ऊपर लगी हुई है। यूपी में बहन कुमारी मायावती ने फाइनल कर दिया है कि वो अब 37-37 सीटों पर लड़ेंगी सपा और बसपा, जिसपे लोक दल की 3 होंगी। और लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को शाम को बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने प्रमुख अखिलेश यादव की बैठक हुई। सूत्र बताते हैं कि सीटों का बंटवारा तय हो गया है। इसमें से दोनों पार्टियां 37-37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। बाकी सीटों पर गठबंधन में शामिल अन्य दलों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को शाम 6 बजे अखिलेश मायावती बंगले पर पहुंचे। दोनों के बीच करीबन 2 घंटे बैठक हुई, जिसमें सीटों का बंटवारा तय कर लिया गया। दोनों पार्टियों ने फैसला कर दिया कि किस किस लोकसभा से सीट पर किसका प्रत्याशी होगा। दोनों पार्टी चाहती हैं कि किसी भी तरह कोई भी विवाद ना हो, इसलिए सूत्रों ने यह भी बताया चला है कि गौतम बुद्ध नगर की सीट से बसपा खाते में गई है, क्योंकि मायावती का पैतृत्व गांव और बादलपुर यही है। साथ ही परिसीमन गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट बनी थी, तो बसपा से ही पहले सांसद सुरेंद्र सिंह नागर बने थे। बार बार सीटों पर प्रत्याशी उतारा जा रहे हैं। 6 सीटें अन्य दलों के लिए। सूत्र बताते हैं कि बंटवारे के दौरान ये गुंजाइश भी रखी गई है कि गठबंधन में शामिल होने में मंशा जता चुके रालोद और समेत अन्य दल भी संतुष्ट किए जा सके हैं। कारण है कि उनके लिए 6 सीटें रखी गई हैं। ये सारी खबर सूत्रों और गूगल से ली गई है। इस गठबंधन को देखते हुए लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री के रूप में तैयार हो चुकी हैं और अखिलेश यादव ने भी अपनी स्वीकृति उसमें दे दी है। वो दावेदारी करते हैं अपनी सीएम के लिए और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि आप प्रधानमंत्री की तैयारी करें। ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट।